दोस्तों, मेरा नाम है रवि वर्मा, आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल माइंड डिस्क। फ्रेंड्स, हम में से हर एक के पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड स्मार्टफोन है। तो फ़ोन तो लॉक होता ही है, चाहे आपके बच्चे से हो, पेरेंट्स से हो, किसी से भी हो, हस्बैंड वाइफ, किसी से भी फ़ोन लॉक हो जाता है। बड़े परेशान हो जाते हो, सर्विस सेंटर जाते हो, डेटा लॉस हो जाता है, ऊपर से 1000-1200 का खर्चा भी होता है। मैं आपको घर बैठे एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन को अनलॉक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये मजाक वाली बात नहीं, सीरियसली मैं बता रहा हूँ आपको। मैं एक ऐसा मेथड बताऊंगा जिसके थ्रू आप अपने फ़ोन को घर बैठे अनलॉक कर सकते हो, वो भी विदाउट डेटा लॉस। कैसे करना है, क्या करना है, पूरा डिटेल हम इस वीडियो में बताएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो बनाते रहते हैं। तो चलिए फटाफट वीडियो को देखते हैं और सीखते हैं कि कैसे ये चीज़ किया जाता है। मुझे नहीं सीखना है, आपको सीखना है। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है। सबसे पहले तो जब भी फ़ोन कोई लॉक होता है ना, तो नीचे आपको इमरजेंसी कॉल आपको देखने को मिल जाएगा। अब नीचे नहीं, ऊपर भी हो सकता है, बीच में भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, लेकिन इमरजेंसी कॉल आपको देखने को मिल जाएंगे। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से स्वाइप अप करके इमरजेंसी कॉल को ओपन कर लेना है। और यहाँ पे देख सकते हैं कि इंजीनियर मोड हमें खोलना है, जो कि इमरजेंसी कॉल के थ्रू आता है। ऑफलाइन सिंगल यही तरीका होता है फ़ोन को अनलॉक करने का। आपके पास ना पीसी है, ना डेटा केबल है, ना ही यहाँ पे हमारे पास इंटरनेट है। ऑफलाइन हम कैसे फ़ोन को अनलॉक करेंगे, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिएगा, और जो भी लोग नए हैं बिल्कुल गौर से देखिएगा कैसे फ़ोन को अनलॉक किया जाता है। साथ ही साथ हम ये भी आपको बताते हैं कि अगर आप एक शॉप खोलना चाहते हैं रिपेयरिंग का, तो आप हमसे हेल्प ले सकते हैं। नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि हमें यहाँ पे देखिए अप्रैल मंथ का कोड डालना है। फिलहाल अभी जो है अप्रैल मंथ का हम यहाँ पे कोड डालेंगे। हर मंथ के लिए अलग अलग कोड होता है। अगर आप किसी और मंथ में देख रहे जैसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो हर एक मंथ का अलग कोड होता है। आप हमसे कोड नीचे कमेंट के थ्रू पूछ लीजिएगा, उसके बाद ही आप अगला स्टेप कीजिएगा। अभी यहाँ पे जैसे आप यहाँ पे इस कोड को एंटर करके अब कॉल करना है आपको। कॉल कितनी बार करना है ये मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल जो है हमें कॉल है 5 से 6 बार कर लेना है। तो 5 से 6 बार कर लेंगे, ज़्यादा हो जाए लेकिन कम नहीं होना चाहिए। अभी यहाँ से इन सारे नंबर्स को मैं हटा देता हूँ। जिन लोगों ने नंबर नहीं लिखा है वो बैक करके देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, डायल करना है *#899#। ध्यान से देखिए *#899#, यहाँ पे आपको डायल करना है। मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इंडिया के बाहर से इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए एक अलग कोड होगा। नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं बता दूंगा। अगर आप पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएई वगैरह से देख रहे हैं तो उसके लिए अलग कोड प्रोवाइड होगा, क्योंकि ये फ़ोन इंडिया का है। इंडिया के लिए अलग कोड है, बाकी देशों के लिए अलग कोड है। अभी यहाँ पर आपको क्या करना है, मैनुअल टेस्ट वाले ऑप्शन पर चल जाइएगा। सेकंड ऑप्शन मिलेगा डिवाइस डिबगिंग का, यहाँ पे आपको चेक स्मॉल मेन बोर्ड वर्जन पर क्लिक करना है। अगर ये ऑप्शन आपको नहीं मिल रहा हो, कोई दिक्कत नहीं है, बैक कर लीजिएगा। बैक करने के साथ साथ नीचे आपको सेंसर सेल्फ टेस्ट कैलिब्रेशन मिलेगा। हर फोन में 2 से लेकर 8 सेंसर 10 सेंसर हो सकते हैं। तो जितने भी सेंसर है सबको स्टार्ट कर दीजिएगा। किसी एक सेंसर का हमारे लिए पास होना बहुत ज़रूरी है। अगर दोनों फेल्ड हो जाएगा तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ आपको जितने भी बाईपास करते हैं, आपको इरेज करते हैं, वही लोग कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे एक पास एक फेल, मतलब ऑफलाइन खुल सकता है। अभी यहाँ पे आपको क्या करना है, बैक करना है कुछ इस तरीके से। बैक करने के साथ साथ सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे आपको चल जाना है, जहाँ पे आपको देखने को मिलेगा रेड राइट इम्पॉर्टेंट। ये वाला जो है हमारा एकदम इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का। यहाँ पर आपको ओके नहीं करना है, ध्यान से, वो धमाल वाला सीन है, बटन नहीं दबाना है। उसी तरीके से यहीं पे आपको ओके नहीं करना है, फर्स्ट टाइम में कैंसिल कर देना है। सेकंड टाइम में आप क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको मैसेज आएगा रॉन्ग पासवर्ड, बट आपको टेंशन मत नहीं लेना है। यहाँ पे आपका फ़ोन अनलॉक हो चुका है, बस आपको रीडिंग रिजल्ट पे क्लिक कर देना है पास। रीडिंग रिजल्ट उनके लिए है जिनको स्मॉल मेड बोर्ड वर्जन जो पहले नहीं आ रहा था, ये उन लोगों के लिए है। तो दोनों कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल अभी यहाँ पे आपको क्या करना है कि अब जो है आपको बीच से इसको स्वैप अप करना है। तो जैसे ही आप स्वैप अप करेंगे, फ़ोन आपका अनलॉक हो चुका होगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। नए हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, बाकी कोई दिक्कत होता है नीचे कमेंट जरूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।